दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन शुरू हो चुका है, पहलवान मैदानों में आ रहे हैं और अपनी अपनी जीत के लिए जी तोड़ कोशिशें शुरू हो गई हैं। भाजपा ने 67 उम्मीदवार खड़े भी कर दिए हैं। कांग्रेस की सूची बस अब आई, ये स्थिति चुनावों की हरियाणा में है। दोस्तों, जैसा कि हम कुछ टीवी चैनलों में देख रहे हैं या सोशल मीडिया में देख रहे हैं या आम जो चुनावी चर्चा चकचक चल रही है लगभग हर जिले में, और यदि जाट बाहुल्य जिलों में जाएं या उन क्षेत्रों में जाएं तो घोर विरोध भाजपा का वहां दिखाई दे रहा है। सब भाजपा को हराने की कसमें खा रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा ने वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतरी है। और उन बातों की मैं चर्चा नहीं करूंगा कि जिस वजह से भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोर शोरों से चल रही है, उसी के चलते सोशल मीडिया पर, चैनलों पर, पत्रकार वार्ताओं में, चौपालों पर अधिकतर चर्चा यही चल रही है कि कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में लौट रही है। दोस्तों, यदि हम इसका ईमानदारी से आकलन करें तो लोकसभा चुनावों में एक तरीके से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा, इसमें दो राय नहीं है। और भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वोट ज़्यादा भी मिले और वो लगभग 46 सीटों पर आगे भी रही, तो ये सारी स्थितियाँ इस तरफ संकेत करती हैं कि कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। और कांग्रेस से पूछो वो तो गदगद हैं। उनका कहना है कि हमारा 10 साल का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है और हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता लौटना तय है। लेकिन दोस्तों, हम ईमानदारी से दूसरे पक्ष को भी देखना चाहते हैं। हालांकि चाहे नायब सिंह सैनी हों CM हरियाणा के या और बड़े नेता हों, वो सभी दावा कर रहे हैं कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आएगी, लौटेगी और हम ही सरकार बनाएंगे। अब किसका दावा पुख्ता है, कितना पुख्ता है, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेशक कांग्रेस चुनाव जीत जाए, लेकिन कम से कम हमारा जो आकलन है या जो दिखाई दे रहा है, यदि हम निष्पक्षता से सोचें तो ये कांग्रेस की एक तरफा जीत नहीं लग रही है। भाजपा और कांग्रेस के बीच लग रहा है कि बराबरी का डटकर मुकाबला होने जा रहा है। उसके जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि यदि भाजपा की स्थिति इतनी कमज़ोर होती जैसा कि सोशल मीडिया में या कई चैनलों पर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 15 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30, एवरेज 20-25 कहा जा रहा है कि इतनी सीट से ज़्यादा मिलने नहीं जा रही है। लेकिन दोस्तों, यदि भाजपा की स्थिति वाकई में इतनी कमज़ोर होती तो भाजपा में टिकटों के लिए इतनी मारामारी क्या होती? भाजपा में टिकट लेने वालों की लंबी लाइनें लगी हैं।
एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार दावेदार हैं और भाजपा हाईकमान को संभावित उम्मीदवार को संभालना या सबको राजी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जो 67 सीटों की जो घोषणा हुई है, भाजपा हाईकमान इतने दबाव में है कि उनमें से 12 उम्मीदवारों के नाम बदले जा सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से भाजपा हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है और उसने पुराने वाले अपने जो सिद्धांत है वो ताक पर रख दिए हैं, चाहे परिवारवाद का हो, चाहे उम्र का हो, चाहे कोई और भी हो। अब उसे सिर्फ जो है जीत चाहिए, बल जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी हो। तो जिस तरीके से भाजपा में 250 से ज़्यादा छोटे बड़े नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ गए हैं, इसका मतलब ये है कि भाजपा के लिए नेताओं में क्रेज अभी भी बाकी है, वरना भाजपा के टिकट के लिए इतनी मारामारी नहीं होती। किस तरीके से वो उम्मीदवार जिनको उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलना तय है और उनको टिकट नहीं मिला, कितने बिलख रहे हैं, रो रहे हैं जनता के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में, भाजपा नेतृत्व को कोस रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब ये तो नाम तो दर्जनों हैं, लेकिन जैसे कि कविता जैन सोनीपत से भाजपा की एक बड़ी नेता है, जीती भी हैं, मंत्री भी रही हैं। उसी तरीके से मैं एक उदाहरण फरीदाबाद का भी दे दूं, तो पटला सीट पर दीपक डागर का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उनको भी बहुत निराशा हुई। उनकी जगह बसपा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को पटला से टिकट दे दी गई। अब दीपक डागर पंचायतें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैं पार्टी के खिलाफ तो नहीं जाना चाहता, लेकिन चुनाव जो जिताती है कोई नेता नहीं जिताता, बल्कि जनता जिताती है, और मैं अपने समर्थकों के बीच में जा रहा हूँ, पंचायत कर रहा हूँ, अपने समर्थकों की बैठकें बुला रहा हूँ, जो क्षेत्र की जनता मुझे आदेश करेगी, और यदि वो आदेश करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जनता कहेगी कि नहीं भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ नहीं खड़े होना तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। लेकिन दोस्तों वही स्थिति बगल वाली उसी सीट पर नैनपाल रावत हैं। नैनपाल रावत ने पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था, वो भी जो इस सीट से जो है भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार थे, उन्होंने पूरा साथ भी दिया भाजपा का, लेकिन टिकट उनको भी नहीं मिली। तो जो ये स्थितियां बन रही हैं, चाहे वो नैनपाल रावत की हो, चाहे दीपक डागर की हो, यानी इनके समर्थकों का सरेआम ये कहना है कि यदि हमारे साथ धोखा किया है भाजपा नेतृत्व ने और हमें टिकट नहीं दिया, या हमारे आदमी को टिकट नहीं दिया, या हमें टिकट नहीं दिया, तो हम भाजपा के कैंडिडेट को भी नहीं जीतने देंगे। ये तो मैंने उदाहरण दिए हैं, लेकिन ये स्थिति लगभग दर्जनों सीटों पर है। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा को विद्रोही उम्मीदवारों को शांत करना बहुत मुश्किल होगा। कई लोग भाजपा के उम्मीदवार घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि यदि
भाजपा नेतृत्व ने उनको शांत नहीं किया, उनकी ईगो को शांत नहीं किया। और यदि वो भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़े तो भाजपा को चुनाव में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और कई उम्मीदवार विद्रोही उम्मीदवारों के खंभ ठोकने, चुनाव में खड़े होने से भाजपा के उम्मीदवार जीत सकते, हार सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि ये जो हरियाणा में सीधे सीधे मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच दिख रहा है और जितना कमजोर भाजपा को हरियाणा में दिखाया जा रहा है, एक तरफ जो है कांग्रेस की हवा या आंधी बहती दिखाई दे रही है, वो शायद ऐसा नहीं है। और जानकारों का मानना है कि यदि ऐसा होता तो भाजपा के टिकट के लिए इतनी मारामारी नहीं होती। और जो हालात हैं, इन सब से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हरियाणा में शायद कांग्रेस की एक तरफा जीत नहीं होने जा रही है। बेशक भाजपा तीसरी बार सत्ता में ना लौटे, लेकिन भाजपा कांग्रेस को हरियाणा में कड़ी टक्कर देगी। बेशक वो तीसरी बार सत्ता में लौटे या ना लौटे, लेकिन भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी जो बन चुकी है, शक्तिशाली नेतृत्व है और संसाधनों की उसके पास कमी नहीं है, तो मेरा मानना है कि जो टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर जो ये लोग एक तरफा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा हरियाणा में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने जा रही है, ऐसा हमारा और बहुत सारे जानकारों का मानना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, हरियाणा में चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा की क्या संभावनाएं हैं। तो ये जो हमारा आकलन था, इस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि ये जो हमने मुद्दा रखा है, आप उससे कितने सहमत हैं, असहमत हैं। तो देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।